गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, है ना। जनरल आपने सीख लिया है ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सब आपको ऑलरेडी पता है ना। अब थोड़ा सा इसका लेवल हम एडवांस करते हैं ना, और लिंक करते हैं इसको ट्वेल्थ क्लास से। ट्वेल्थ क्लास में क्या है आपका, आप जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो उसमें आपके फंक्शनल ग्रुप वाले आईयूपीएसी आपको मिलेंगे ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब फंक्शनल ग्रुप में केवल टू रूल्स हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े रूल्स मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा लर्न नहीं करना है, सिंपल दो रूल ध्यान रखिए। रूल नंबर वन क्या है, अगर कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि आपके फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट न्यूमेरिक वैल्यू ऑब्टेन हो। मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपको नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से स्टार्ट करनी है। क्लियर है, फिर सुन लो, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आपको नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की ओर से स्टार्ट करनी है। दैट्स ऑल, ये रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, आपको कार्बन चेन ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, एक जैसे हमने लिखा है फॉर्मूला, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, बनाना आता ही आप सबको फॉर्मूले। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, और आपसे बोला इसकी नेमिंग करिए। तो यहाँ कार्बन चेन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट वाला तो रूल वही है, 1 2 3 4 5 नो, सही है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लोगे, और कार्बन चेन भी ऐसी लोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, तो आ रहा भी है फंक्शनल ग्रुप ये OH। क्लियर, अब बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो नंबरिंग हमें इसकी ओर से स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप यहां से करोगे तो 1 2 3, इसकी पोजीशन क्या है 3, और यहां से करोगे 1 2 3 4 5, तो 5, सही है। तो अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आती है 5, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो पोजीशन क्या आती है 3। तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, आप करोगे लेफ्ट हैंड साइड से, ये रूल फॉलो करोगे, मतलब इसको कम न्यूमेरिक वैल्यू मिले, बस इतने ही रूल है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये क्लियर है तो यही आपकी आईयूपीएसी, इसी में छोटे मोटे आगे पीछे चेंजेस आएंगे, राइट, 6 और ये 7। अब देखो नेम लिखते हैं उसका आईयूपीएसी का, CH3 क्या होता है, मिथाइल, और मिथाइल क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स। मैं एक बार फिर कर देता हूँ फॉर्मूला, क्या होता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रैक्टिस करनी है घर से, ध्यान रखना आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आईयूपीएसी के, एटलीस्ट उतना तो कर ही लो, रिफ्रेशर्स अगर नहीं खोलनी हो तो। प्रीफिक्स में क्या है, मिथाइल, मिथाइल की लोकेशन क्या है 4, तो आप क्या लिखोगे 4-methyl, वर्ड रूट क्या है कार्बन, कितने कार्बन है 7, 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे एन, ई हट के क्या लग जाएगा सफिक्स, रहा अपने टेंथ में, जब हम सफिक्स का लगाते हैं नेम ओल तो एल्केन का ई हट जाता है, हेप्टेन, और सफिक्स कौन है OH, OH का क्या होता है ओल, एल्कोहल है, नंबर 3 पर है, अब क्या लिख दोगे 3-ol, तो एक साथ क्या लिखोगे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 4-methyl-heptane-3-ol, ये आईपीएसी नेम है ना। तो 12th क्लास क्या बोलती है कि आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आप जब आप 12th में एंट्री करें। अब जैसे एक और चीज देख लो, इसका हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो 7 कार्बन है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6, और ये 7, क्लियर है। अब नंबर 3 पर कौन है OH, यहां लगा दो OH, सही, और नंबर 4 पर कौन है मिथाइल, तो मिथाइल में क्या डंडा खींच रहा है, बताया था मैंने आपको मिथाइल में एक लाइन खींचे, तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, है ना। तो इतना बेसिक लेवल हमें पता होना चाहिए बेटा 12th में एंट्री से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका पार्ट 1 ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, इसलिए पार्ट 2 क्या करा है आपका नॉर्मल कर दिया है। अब इसको देखो आप आगे, जैसे ये देखिए आप इन 2 के आईयूपीएसी नेम बनाते हैं, है ना, थोड़े से 12th के स्टैंडर्ड के लेके चलता हूं मैं आपको। आपसे पूछा इसका आईयूपीएसी नेम फॉर्म करो, ये है हाइड्रेट आप लगा ही लोगे,
तो हाइड्रोजन में नहीं लगाऊंगा, टाइम बचा लूंगा बेटा, है ना। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक ही कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्ट्रेट ही ले लो, क्यों पंगा ले रहा हूं, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी आ गई, क्लियर है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद हम आते हैं नंबरिंग पर। अब नंबरिंग आप इधर से करते हो तो यहाँ क्या आएगा, 1 2, ये 2 लिख दो, इसकी लोकेशन 3 4 5 6, ये कीटोन है बेटा, 6 नंबर पे कौन आ रहा है, कीटोन ग्रुप, तो सम कितना आ रहा है 11। बट अगर हम इधर से चलें 1 2 3 4, तो ये 4 5 6 7 7 8, ये आ रहा है 19। अब आप बोलोगे सर नंबरिंग तो हम यहां से करेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ज्यादा। आप बोलोगे सर हम तो नंबर यहां से करेंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो सम आ रहा है ग्रुप का वो मिनिमम आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आपकी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस फंक्शनल ग्रुप को देनी है और उस और से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। उस केस में आपको नंबरिंग रूल सम रूल फॉलो नहीं करना है, आपको देखना है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप किस और प्रेजेंट है। जनरली बोर्ड में आपको इन कंडीशंस में नहीं फंसाएगा, बोर्ड में वैसे कंडीशंस देगा जिसमें सम रूल भी लग जाएगा और फंक्शनल ग्रुप वाली कंडीशंस भी फॉलो हो जाएगी। लेकिन मुझे बताना जरूरी है आपको कि अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से सम कम आ रहा है और इधर से काउंटिंग करने पर सम ज़्यादा आ रहा है तो भी आपको नंबरिंग यहीं से करनी है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन वो इस साइड से ज़्यादा पास है, क्लियर है। तो ये रूल ध्यान रखने हैं, ये भूलने नहीं है रूल, ये ट्वेल्थ में आपके साथ जाएंगे रूल। तो ये नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाएगा, 8 और 9। अब देखो ये क्या है, मिथाइल CH3, जनरली मिथाइल लिखते हैं, मिथाइल और इथाइल, और ये क्या है क्लोरो। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, रिफिक्स वर्ड रूट, और क्या लिख देंगे हम सफिक्स। रिफिक्स में कौन है, मिथाइल और क्लोरो, पढ़ाया ना आपने, मिथाइल क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो, ये सब क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, सी पहले आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे क्लोरो, तो आप क्या लिख दोगे सबसे पहले, 8 क्लोरो 7 मिथाइल, सही है, क्या लिखोगे 8 क्लोरो 7 मिथाइल। अब आओगे वर्ड रूट पे, कितना कार्बन है 9, तो 9 में नॉन, सही है, नॉन बोलते हैं नॉनेन, नॉनेन को बोलते हैं 9, सही है, 9 का मतलब बेटा नॉनेन, 9 कार्बन, एल्केन होता है ना नॉनेन, ऑक्टेन नॉनेन, तो नॉनेन में लगाएंगे ना नॉन। अब 4 पर कौन है, कीटोन, नॉन 4 O, सही है, कर देंगे और सिंपल होता, ऐसे ये नहीं होता, यहां यही होता है, हम क्या लिख देते हैं यहां, 8 क्लोरो 7 मिथाइल, अब नॉन की जगह 8 हो गया तो क्या लिख दोगे, ऑक्ट, चलो तो लगा दो, एन भी लगा सकते हो, चलो ऑक्टेन 4 ON, वहां भी लिख सकते हो आप नॉनेन 4 ON, सही है। तो ये IUPAC नेमिंग, अब जैसे इसकी देखो IUPAC, इसकी आप हटा लो बेटा इसको। अब यहां देखो ये बेंजीन रिंग नहीं है, सबसे पहला काम ये साइक्लोहेक्सेन है, और यहां भी क्या है आपका कीटोन है, तो नंबरिंग इसी से करेंगे, 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6, इसको हम क्या बोलेंगे मिथाइल, इसको आप क्या बोलोगे इथाइल, सही है। कौन पहले आता है प्रीफिक्स में, ई पहले आएगा, तो क्या लिख दोगे 3 इथाइल, फिर क्या लिख दोगे 2 मिथाइल, हो गया प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट क्या है, साइक्लोहेक्सेन, तो आप क्या लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन, इन्हीं लाना है ना, और 1 पर कीटोन, तो 1 O। अगर आपने ये लेवल कर लिया तो समझो आपकी 12th की भी IUPAC आपने कंप्लीट कर ली, आधा सरदर्द आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट, मतलब पढ़ाई में आपको इस तरीके से रहा हूँ कि 12th के एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ये कर लिया मतलब 11th का तो हो ही गया आपका और 12th का भी आपका कंप्लीट हो गया IUPAC, ये मानो। हाँ मैक्सिमम चीज़ें 12th की आपको सिखा दूंगा मैं, आगे देखिए बेटा, ये देखिए बेटा
आईयूपीएसी का लास्ट रूल आपका, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन देन मेन फंक्शनल ग्रुप इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे बड़ा रूल है ये, सबसे बड़ा रूल 12th के लिए। सारे रूल में 12th के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ आपको, 11th के स्टैंडर्ड तो आपने कर लिया बहुत पहले। अब देखो समझो, अगर आपकी कार्बन चेन में वन से ज्यादा डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे एल्कोहल भी हो, कीटोन भी हो, कार्बोक्सिलिक भी हो, तो क्या लिखोगे आप? ऑइक लिखोगे, ऑल लिखोगे या ओन लिखोगे? वही एक ही काम लिख सकते हैं ना, ब्यूटेन ऑइक एसिड, ऐसे तो लिख दोगे ब्यूटेन ऑल ऑइक ओन, ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे। तो उस केस में आईयूपीएसी बोलती है कि अगर आपकी कार्बन चेन पर डिफरेंट टाइप के वन से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उस केस में जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है उसमें से मेन को सिलेक्ट करिए। जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा आपका मेन सफिक्स। अब इसके लिए मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनवाई थी और मैंने लिखाया था आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, उसमें बताया भी था कि इसका सफिक्स ये है और इसका प्रीफिक्स ये है। जैसे मैंने लिखवाया था OH, ओल, OH का बताया था इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ओल। ये जो टेबल है ये आपके 12th में भी काम आएगी, आपके हायर क्लासेस में भी काम आएगी, कॉम्पिटिशन्स में काम आएगी। तो टेबल मैंने बोला भी था वो बना लेना, किसी पेज पर बना के आप पेस्ट कर लेना आपकी स्टडी टेबल के सामने या रख लेना उसको। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखाया था मैंने, मैं उसको एक बार और लिख रहा हूँ आपके सामने। ये आपके मेन मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर आपके सामने है, जो 11, 12 में ज़्यादा काम आते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन, एल्कीन एंड एल्काइन। सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है? एल्काइन की। अब जैसे मुझे इसका नाम लिखना है बेटा, है ना, तो यार ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। अब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और OH, इनमें ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? OH की। तो आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? OH है। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप आपका OH हो गया, तो ये मेन है आपका, इसका नाम सबसे बाद में आएगा, ये मेन है। तो आप क्या लिखते हैं इसको? फंक्शनल ग्रुप मेन वाला है, है ना। अब नंबरिंग इधर से ही करेंगे स्टार्ट, हम मेन है तो आप क्या लिख दोगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर? ये क्या है? एल्कीन और ये क्या है? एल्काइन। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, एल्कीन और एल्काइन का प्रीफिक्स नहीं होता है, पहले थोड़ी लिख देंगे इन ऐसे करके। अब फॉर्मूला दिया आपके पास, प्रीफिक्स वर्ड रूट ऑफ क्या होता है? सफिक्स। अभी आपके पास कितने सारे सफिक्स हो गए? इन हो गया, आइन हो गया और ओल हो गया, बट मेन कौन है आपके पास? फंक्शनल ग्रुप, ये मेन है। इससे थोड़ा कम मेन कौन है? डबल बॉन्ड। और बिल्कुल ही कम मेन कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रीफिक्स तो इसमें है ही नहीं, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो जो टेबल मैंने बनवाई थी आपको, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे? इसमें प्रीफिक्स है नहीं तो भूल जाओ। तो कितने कार्बन है? 6। तो हम क्या लिखेंगे? हेक्स। एन नहीं लगाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी है। हेक्स के बाद देखो आप किसकी प्रायोरिटी सबसे कम है? ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे कम है। तो किस पर है ट्रिपल बॉन्ड? नंबर 6 पर, 5 पर, सॉरी 5 भी लिखना है, छोटी न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? हेक्स 5 आइन। डबल बॉन्ड किस पर है? 3 पर, 3 ई। क्लियर? और 2 पर क्या है? एल्कोहल, 2 और। तो मेन जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना उसको हम सबसे एंड में लिखते हैं, ये आईपीएसी का रूल है। जो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सफिक्स सबसे बाद में आएगा, बाकी के सफिक्स क्या होंगे? पहले आ जाएंगे। क्लियर? अब जैसे ये देखो आप, यहाँ आपके पास कीटोन भी है, एल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक भी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक की। तो आपका क्या हुआ? ये मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमने कार्बन चेन ले ली, ये नंबरिंग यहीं से करेंगे, ऑफकोर्स पता ही है आपको, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो कीटोन का जो ओ है, कीटोन का ओ होता है, इसका प्रीफिक्स पढ़ाया है मैंने,
कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। अब आप बोलोगे सर इनका प्रीफिक्स क्यों नहीं लिखा, भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स होता ही नहीं तो लिखोगे कहां से। भाई इनका कोई प्रीफिक्स पढ़ा क्या आपने, टेबल में लिखा है नहीं मैंने आपको, ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स नहीं होता तो मैंने लिखा लिखा उनको बिल्कुल एंड में फाइव हेक्स फाइव वाइन थ्री इन टू ऑन, यहां प्रीफिक्स होगा तभी तो लिखेंगे। अब जैसे कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो और OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, करेंगे हम काम। अब O और H में कौन पहले आ रहा है, H पहले आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, फोर हाइड्रोक्सी थ्री ऑक्सो कितने कार्बन है फाइव, क्या लिखोगे पेंटेन, ये तो कोई प्रीफिक्स होगा ये है ना, ये सफिक्स पेंटेन नंबर वन पर है ऑइक एसिड तो क्या लिखोगे पेंटेन वन ऑइक एसिड, सही है। ये सब ट्वेल्थ के एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे यहाँ देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, अब क्या प्रॉब्लम कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से मेन कौन है, तो हमारा मेन कौन है, मेन है डबल बॉन्ड, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और डबल बॉन्ड बॉन्ड कहाँ है यहाँ, तो हम काउंट कहाँ से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, सही कितने कार्बन है सिक्स, तो आपके लिखोगे हेक्स, प्रीफिक्स तो है नहीं बट नंबर फाइव पे कौन है ट्रिपल बॉन्ड, तो आपके लिखोगे हेक्स फाइव आइन, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है नंबर वन और नंबर थ्री पर, क्या लिखोगे वन थ्री डाई इन, डाई इन क्यों लगाया बिकॉज हमारे पास टू डबल बॉन्ड्स हैं, सही है। तो ये जो रूल है ये स्पेशली आपके ट्वेल्थ में काम आने वाला रूल है जो मैंने आपको बताया, ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार देखना वीडियो, प्रैक्टिस करना बेटा, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट फॉर ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एग्जाम। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, देन फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, प्रैक्टिस क्या है, आपको कई बार फॉर्मूला से नेम पूछेगा और कई बार पूछेगा नेम से फॉर्मूला बनाना। अब नेम से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, टू थ्री मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, ये तो इजी है, टू क्लोरो हेक्सेन ये तो आप करना है ना, मैं टफ वाला लूंगा आपके सामने, या पेंट फोर इन टू ऑल, क्लियर। अब पेंट फोर इन टू ऑल का मतलब क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए पेंट का मतलब फाइव कार्बन है, तो सबसे पहले क्या कर दो फाइव कार्बन लगा दो टू थ्री फोर थ्री फाइव, पेंट का मतलब फाइव कार्बन, सबसे पहली चीज ही आनी चाहिए दिमाग में। हम जब भी फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कार्बन चेन्स को क्रिएट करते हैं, कार्बन आपने काउंट करके लिख दिए चेन के फॉर्म में, सारा काम आसान। अब देखिए फोर इन नंबरिंग भी कर दो कहीं से भी कर दो वन टू थ्री फोर फाइव, फोर इन मतलब आपको फोर और फाइव के बीच में लगाना है डबल बॉन्ड, अगर आपने थ्री और फोर के बीच में लगाया तो फिर थ्री इन हो जाएगा, छोटे डिजिट को चेक करते हैं, है ना। तो पेंट फोर इन टू ओल, ओल मतलब OH, तो नंबर टू पे क्या लगा दो OH, सही। अब हाइड्रोजन लगा दो काउंट करके, तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री ये फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, अब बना रहे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन टू हो गया, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, सही। इस कार्बन बीच में क्या है डबल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड लगाना है ऐसे, कार्बन हाइड्रोजन को तो शो करते ही नहीं हम, बताया हुआ है आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, और नंबर टू पे क्या है OH, अब OH ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये OH ये बन गया आपका बॉन्ड लाइन, तो क्या बन गया ये पेंट फोर ई टू ओ, क्लियर है। एक ये लेता हूं बेटा आपके सामने, ये साइक्लोहेक्स टू इन वन ओल, साइक्लोहेक्स मतलब आपको हेक्सेन बनाना है साइक्लो वाला, तो सिक्स कार्बन कैसे बनाओगे, ये सबसे पहला कार्बन बना दिया साइक्लोहेक्स, है ना, कार्बन लगा देता हूं चलो आपको समझाने के लिए, वैसे जो ये साइक्लोहेक्स टू इन नंबरिंग कर दो वहीं से भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू इन मतलब टू और थ्री के बीच में, साइक्लोहेक्स टू इन वन ओल मतलब वन पर क्या लगा दोगे OH, अब हाइड्रोजन काउंट करके लगाने तो वन टू थ्री ये फोर, वन टू
3-4। तो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा हार्ड है। नहीं पढ़ोगे तो हार्ड है, पढ़ लोगे तो कोई हार्ड नहीं है। हार्ड जैसा वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ही नहीं। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ तब लगती है जब आपको 11th का नहीं आता है कुछ भी, और जनरली 50-60% बच्चों को 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है। क्यों नहीं आती? वो पढ़ते ही नहीं 11th में। 11th को क्या इमेजिन करके चलते हैं, लोकल क्लास 11th, क्या कौन सा फर्क पड़ता है हमारे कैरियर पे? कैरियर पर देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी है, क्योंकि आपको नेमिंग ही पता नहीं होगी 12th में तो क्या करोगे। तो ये 2 महीने करा है, बाकी आप टाइम आना है ना। अब मैं आता हूँ आपके लास्ट टॉपिक पर, IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजीन रिंग। गॉट इट? देखिए बेटा, बेंजीन रिंग के IUPAC नोमेनक्लेचर में पुराने रूल ही आपके काम आने वाले हैं। जो आपने पुराने अभी पढ़े हैं आपने, वही रूल काम आने वाले हैं। सिंपल वैसा ही है, बस आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग को आइडेंटिफाई करना है। बेंजीन रिंग में क्या स्पेशल होता है? 3 डबल बॉन्ड एंड अल्टरनेट सिक्वेंस। अब जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और आपको इसका बताना है IUPAC नेम। बट इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ जो स्पेशल है। स्पेशल क्या है? बेंजीन रिंग के कुछ मैंने आपको कॉमन नेम बताए थे, वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो कई बार उसको इसको क्लब करेगा, मिक्स करेगा। जैसे मैंने बोला एनिलीन, टॉलुइन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन तो अलग था बट मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन, एनिसोल, एसीटोफिनॉल। फिनॉल में क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH। तो कॉमन नेम आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या करेगा वो IUPAC और कॉमन नेम को ज्वाइन कर देगा। तो मैं लास्ट में बताऊंगा एक एग्जाम्पल वैसा 12th का, और आपकी एंड हो जाएगी IUPAC। देखिए अब जैसे हमें बोला इसका नेम लिखना है, यह 2-मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें कुछ नहीं है यार, 1, 2 और 3 कहीं से भी कर दो तो आप क्या लिख दोगे? 1,3-डाइमिथाइल और नीचे क्या लिख दोगे? बेंजीन। लो सिंपल है, 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन। और 6 तक क्यों लिखे हैं? हम 2 ही दे रखा है। जैसे यहां है 1, 2, 3 और 4 चाहो तो पूरा लिख दो। OH क्या होता है? ओल, तो आप क्या लिखोगे? अब OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है आपका, सही है। तो अब इसमें यू नहीं लिखना है 1,4-डाई और बेंजीन, ऐसा नहीं आएगा। इसमें है ना सफिक्स क्यूस बेंजीन 1,4-डाईओल, सही है, क्लियर है? ध्यान रखना, भूलना मत। अब क्लोरीन है फिर 1,2 तो क्या लिख दोगे? ये प्रीफिक्स है तो क्या लिख दो? 1,2-डाईक्लोरो बेंजीन, सही। तो ये रूल नंबर वन बहुत सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है सर, आप नॉर्मल आप कर लोगे इजीली। अब देखो अब आइए रूल नंबर 2 पर, जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रूल सबसे ज्यादा काम करे आपके, अगर आपकी बेंजीन रिंग पर डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वही रूल है, तो आप मेन फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए। मतलब आपको मेन फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट, मैं इसको लिख देता हूं, देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम, ऐसे भी समझ सकते हो उसमें, है ना। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी है, वही मेन है हमारे लिए, है ना। अब जैसे यहां देखिए OH, CH3 और CN, कौन मेन है हमारा? OH मेन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सही है। अब मिथाइल का वही M और क्लोरीन का क्लो, कौन पहले आएगा अल्फाबेट में? अल्फाबेट में आएगा C, तो आप क्या लिख दोगे? 4-क्लोरो-2-मिथाइल, सही है, और बेंजीन 1-ऑल, क्या लिख दोगे? बेंजीन 1-ऑल। अब मैं कर रहा हूं आपके सामने थोड़ी सी खुराफात, कुछ नया जो 12th में करेगा वो आपके सामने। ये तो हुआ IUPAC नेम, कई बार क्या बोल देता है इसको 4-क्लोरो-2-मिथाइल, इसको हम क्या बोलते हैं अकेले को? इसको हम बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल आप बोलोगे सर ये कहाँ पढ़ा था हमने? पढ़ा था कॉमन नेम। तो क्या करता है? हाफ IUPAC और हाफ कॉमन नेम जोड़ देता है और फिर लिख देता है इसको फिनॉल। 12th में यही सबसे ज्यादा काम आता है।
मतलब ट्वेल्थ में ये नाम देगा आपको लिख के, 4-क्लोरो-2-मिथाइल फिनॉल बनाइए। तो फिनॉल बनाओ, पहले फिनॉल के नंबर 2 पे मिथाइल और 4 पे लगाइए क्लोरो। अब जैसे ये इसको आइए, अब यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप सी डब्ल्यू एच है, ए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मिथाइल और ऑक्सो, तो कौन आएगा पहले, एम आएगा, तो क्या लिखोगे 4-मिथाइल, कीटोन में तो क्या इसका प्रीफिक्स है ऑक्सो, क्या लिखोगे 2-ऑक्सो, 4-मिथाइल 2-ऑक्सो, सही है। अब देखो क्या लिखोगे, बेंजीन ऑइक एसिड, सही है, यूरिक एसिड, बेंजीन 1-ऑइक एसिड। कई बार इसको ऐसे भी लिख सकता है शॉर्ट में, 4-मिथाइल 2-ऑक्सो बेंजोइक एसिड, क्लियर है। तो ये है आपकी बेंजीन रिंग की आईयूपीएसी, ध्यान से देख लो इसको, है ना। देखिए बेंजीन वाले आईयूपीएसी में एक सिस्टम और चलता है, पुराना वाला ट्रिवियल सिस्टम। उस ट्रिवियल सिस्टम में कुछ नाम है जैसे ऑर्थो, मेटा, पैरा। बेंजीन में लोकेशंस होती हैं, पहले जब 1, 2, 3, 4 नहीं चलता था तब बोलते ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब क्या होता है पहले समझ लो, ये डायग्राम देखो, अगर बेंजीन रिंग पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसकी जो नेक्स्ट वाली पोजीशंस होती हैं, ये फंक्शनल ग्रुप, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, उस पोजिशन को बोलते हैं ऑर्थो, ORTHO, साफ दिख नहीं रहा होगा, ये ऑर्थो। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट टू कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो, नेक्स्ट टू कार्बन बोलते हैं मेटा, और बिल्कुल सामने को बोलते हैं पैरा। अब बोलोगे सर ये क्या आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी नहीं है बेटा, ये ट्रिवियल सिस्टम है, पुराने जमाने का सिस्टम है, आज भी चलता है, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ आपको, है ना। तो फंक्शन ग्रुप के नेक्स्ट टू कार्बन ऑर्थो, नेक्स्ट टू मेटा और सामने वाला पैरा। अब जैसे मुझे इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, मेन फंक्शन ग्रुप तो यही होगा, तो ये हमारा कौन है, MFG, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब इसके पास कौन है, क्लोरीन, तो इसको पोजीशन को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो पोजीशन आ गई ना, 1-2 की बात ही कर रहे हैं, वो तो आता है हमें, हम क्या बोल सकते हैं ऑर्थो क्लोरो। और OH को क्या बोलेंगे बेंजीन रिंग वाले को, फिनॉल, तो आप क्या बोल सकते हो, ऑर्थो क्लोरो फिनॉल। आईयूपीएसी बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 1-2, तो क्या बोल दोगे, 2-क्लोरो फिनॉल। अगर डिटेल में एग्जैक्ट लिखना है तो क्या लिखोगे, 2-क्लोरो-फिनॉल। अब बोलोगे सर बोर्ड में कौन सा आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, बट ये आईयूपीएसी है, ये कॉमन नेम है। अब जैसे देखिए क्लोरीन क्लोरीन, अब देखो ये फंक्शन ग्रुप और ये भी सामने उसके, तो ये इसके लिए ये क्या है, पैरा, और इसके लिए वो क्या है, पैरा, दोनों आमने सामने है ना, एक जैसे हैं भाई, एक जैसे हैं, तो दोनों ही हमारे लिए मेन है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, सामने जस्ट पैरा, उसके लिए कौन हो गया, पैरा। तो आप क्या बोल सकते हो, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। और आईयूपीएसी में क्या बोल दोगे, 1,4-डाइक्लोरो-बेंजीन। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, अगर कोई पूछ ले तो आप अटको नहीं, ये ना बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं है। अब जैसे ये देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, ये क्या होगा आपका, ऑर्थो, ये मेटा, यहां तो कुछ है नहीं, और ये क्या होगा, पैरा। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, क्लोरीन, तो आप क्या लिखोगे, पैरा क्लोरो ऑर्थो मिथाइल, और ये क्या, बेंजोइक एसिड, लिख दोगे बेंजोइक एसिड, सही है। और आईपीसी लिखनी हो तो क्या लिखोगे, 4-क्लोरो-2-मिथाइल-बेंजोइक एसिड, सही है। तो ये ऑर्थोमेटा जो पैरा का सिस्टम है, ये ऑर्थोमेटा पैरा सिस्टम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बताना जरूरी है। तो सारी आईपीसी मैंने आपको बता दी 11th और 12th की मिला के कॉम्बाइन करके, अगर ये वीडियोज आपने ढंग से देखे और इवन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी 12th क्लास में। सारा खेल ऑर्गेनिक का ही है 12th में, क्योंकि 11th के बच्चों को मैंने 12th में ऑर्गेनिक में ही दिक्कत आती हुई देखी है, क्योंकि बस एक ही हाई करते हैं 12th में बच्चे, सब बी ब्लॉक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी ब्लॉक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ नहीं है। इसको ढंग से करके जाइए 12th में।
आपको मजा आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।